भूमि मूर्ति को हम क्या कहते हैं? ओम शर्वाय नमः, ओम शर्वाय नमः। ये भगवान महादेव की ये धरती मूर्ति पृथ्वी, हम उठकर पृथ्वी पर पैर रखते इससे पहले माता धरती को प्रणाम करते। क्यों करते प्रणाम? वो शिव है। बहुत सारे लोग भूल गए और बहुत सारे सज्जन लोगों ने याद रखा, और एक बात याद रखिए, हम पृथ्वी पर पैर रखते हैं इससे पहले माता पृथ्वी को प्रणाम इसीलिए करते हैं, माता पृथ्वी हमारी रक्षा करते हैं, वो शिव का स्वरूप है। और जल क्या है? हमारा जीवन है। जल, जल से सृष्टि चलती है, जल से सब कुछ है। इसे जल हमारे लिए भगवान है, इसीलिए जल शिव तत्व को क्या नाम दिया है? ओम भवाय नमः। अग्नि के बिना कुछ भी नहीं चलता, अग्नि के बिना अंधकार हो जाएगा, अग्नि के बिना हमारा शरीर भी नहीं चलता, इसलिए अग्नि वो शिव का स्वरूप है। अग्नि मूर्ति का नाम क्या है? ओम रुद्राय नमः। ये वायु, ओ रुद्राय नमः। ये आकाश, ओ भीमाय नमः। ये आत्मा, जिनको शत्रुघ्न कहा जाता है वो क्या है? ओ पशुपतये नमः। ये सूर्य नारायण शिव है। ओ ईशानाय नमः। ओ महादेवाय नमः। ये सब कुछ शिव है। शिव को कहीं कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, इधर उधर यहां वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं, जहां देखो वहां शिव ही शिव है। इसलिए तो हम गाते हैं ना, आपो दृष्टि मा तेज अनोखो सारी सृष्टि ने शिव रूप देखो। क्यों गाते? पुष्पदन ने भी कहा है ना, सूर्य भी तू है, चंद्र भी तू है, गगन भी तू है, अगन भी तू है, सारी दुनिया तेरा ही स्वरूप है।